प्रॉब्लम 1.9 देखो बच्चों, कहता है एक सिस्टम है हमारे पास दो चार्जेस का, क्यू ऑफ ए और क्यू ऑफ बी। वैल्यूज हैं 2.5, 10 टू पावर माइनस 7 और यहाँ देखना नेगेटिव लगा हुआ है और सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब ये डायपोल तो बनाएगा आगे चल के। ठीक है, लोकेटेड एट पॉइंट, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। पहली बार है तो जेड वन कर लो और बी की लोकेशन है सेकेंड चार्ज की X2, Y2 और ये हो जाएगा Z2। तो Z पे ही रखे हैं, साफ दिख रहा है रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है पहली बार टोटल चार्ज कितना होगा और सेकेंड टाइम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कितना होगा। तो उसको बच्चों समझ लेते हैं पहले। लेट से X है, Y है और ये Z है। तो देखो QA कहाँ रखा है, नेगेटिव साइड पे रखा है। तो यहाँ पे QA रखा है जिसकी वैल्यू है 2.5 10^-7 कूलम और QB की वैल्यू है माइनस में 2.5 10^-7 कूलम्स में। ठीक है, डायपोल की कहानी क्या कहती है, एक नेगेटिव का चार्ज होता है बच्चों, एक पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो डायपोल का मूवमेंट हमेशा माइनस से प्लस इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक, और उसी की फॉर्मूला होती है, किसी एक का चार्ज ले लो मैग्नीट्यूड में और उनके बीच पे रहने वाली डिस्टेंस, या ऐसा कर लो क्यू इंटू डी कर लो और यहाँ पे कह दो कि सर मैंने डी कंप्लीट डिस्टेंस को ही बोल दिया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना हमेशा। तो फर्स्ट के लिए क्या हो रहा है, टोटल चार्ज सॉल्व करना है अपन को। तो ये आ गया आंसर अपना टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम के लिए, राइट। तो क्यू नेट कितना होगा, आप देखो दो ही तो चार्ज है सिस्टम में हमारे पास, तो क्यू ए कर लो, उसको ऐड कर लो क्यू बी से, सेम है मैग्नीट्यूड, बस पोलैरिटी का फर्क है। तो आंसर आ गया अपना जीरो, सिस्टम पे जीरो चार्ज है। और सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं, डायपोल मोमेंट बताना है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये ऊपर लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ, डी लिख लिया। तो डी सॉल्व करते हैं पहले, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ से नीचे भी 15 सेंटीमीटर है और ऊपर भी कितना होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये हो गया 30, जिसको आप लिखेंगे 0.3 मीटर। दोनों वैल्यूज रख दीजिए, आगे आप लोगों का आंसर ये हो गया 2.5 10^-7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये तो बनाएगा 7.5 और पावर एक और कम कर लो, ये हो गया डायपोल मोमेंट और यहाँ आ जाएगा कूलम्स मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यहाँ से मिल जाएगा, माइनस से प्लस जाता है, तो नेगेटिव का चार्ज ये रहा, प्लस का चार्ज ये रहा, तो डायपोल मोमेंट आप लोगों का इस तरह से चलेगा। तो अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं अलोंग जेड एक्सिस पे ही रहेगा आपका डायपोल मोमेंट, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है बच्चों।